मतलब रानी हार क्यों बोलते हैं इसको? रानी हार क्यों बोलते हैं इसका? रानी हार मतलब ये लेडीज लग रहा है ना, लेडीज बोलेगा तो रानी होता है, तो लेडीज को रानी मान के रखते हैं। अब राजा बोलेगा तो औटी और ठीक है। तो भाई देखो भैया, देखो कितनी अच्छी बात बोली है भैया, जो भी फीमेल के नहीं लगता उनको पहली रानी बना दिया। शुरू करते हैं आज की वीडियो बनने की ब्लॉग के साथ। तो कैसे क्या देखा, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई तुम्हारा भाई आज बनाने वाला है भाई 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, आप मेरे को देख सकते हैं भाई, सपना ज्वेलर्स है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और आपको दिखा सकता हूँ भाई काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप, मैं दिखाने वाला हूँ भाई वीडियो में, बहुत मजा आ रहा है। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, अगर चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई फाइनली मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ और भाई आप ये देख सकते हैं भाई मेरे पीछे पूरा भाई, यहाँ पे आप जितना भी आपको कलेक्शन दिख रहा है भाई, देखिए सपना ज्वेलरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी कलेक्शन मिल जाती है, जितना भी आप ये गोल्ड देख रहे हैं, ये जो नेपाली कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेकलेस दिख जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 24 कैरेट में है। फिर यहाँ से आप बिस्किट, ये देखिए जो 24 कैरेट होता है मोस्टली उसमें क्या होता है भाई, डिजाइनिंग नहीं आती, तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारा कलेक्शन दे रखा है। ठीक है, सारे कलेक्शन में आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कान के झुमके दे रखे हैं, ठीक है, बालियाँ दे रखी हैं, बैंगल्स हैं, ठीक है, हाथ के कुछ ब्रेसलेट और चेन वगैरह भी हैं। ठीक है, और नेकलेसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो अपना कल्चर के अकॉर्डिंग जो नेकलेस होते हैं पूरे गोल्ड के, 24 कैरेट में पूरा रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे भैया हैं, गिरी भैया नाम है इनका। कैसे है भैया? ठीक ठाक है सर। कैसे हो? सब ठीक। किधर से हो? हम नेपाल से सर। नेपाल से? अच्छा अच्छा, तो काठमांडू तो बहुत फेमस है 24 कैरेट गोल्ड के लिए। नेपाल तो 24 कैरेट का ही है सर। क्योंकि हम लोगों के में तो 22 कैरेट चलता है, नेपाल में चलता है भाई 24 कैरेट, 24 नहीं ज्यादा चलता है। ठीक है, तो भैया मैं आपके पास आया था, मुझे ना कुछ गोल्ड के आप नेकलेसेस दिखा दो। ठीक है, बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हमें 24 कैरेट के देखने। ठीक है, रानी हार वाला ही है, देख लीजिए। अच्छा, तो ये पूरा 24 कैरेट में, 24 कैरेट में बनता है। ठीक है, और इसकी प्योरिटी कैसे चेक हो? मशीन से चेक कर सकते हैं ना आप? मशीन से चेक कर सकते हैं, और इसका कोई कोड भी होता होगा 24 के? हम 24 के करके लिखता है। अच्छा, इसमें मेंशन होता है 24 कैरेट? इसमें मेंशन भी करता है। अच्छा, इस पे पूरा मेंशन होता है पीछे? ठीक है, और बिल में भी मेंशन रहेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट रहेगा तो मशीन से आप ट्रांच कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और पूछनी थी भैया, इसमें मेकिंग चार्ज वगैरह कैसे पड़ता होगा? मेकिंग चार्ज आपको इसको डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, सपोज जैसे कि नेकलेस किसी को अगर पसंद आ रहा है तो इसमें कितना मेकिंग चार्ज लगेगा? अभी डिजाइन देख के मैं बोला ना आपको, एक्चुअली एक नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इसको डिजाइन के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है, अब तो कस्टमर के हिसाब से हम डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो इसका वजन कितना होगा थोड़ा मेरे को बताइए? आपको देखिए 3.5 तोला 4 तोला 4 तोला 4 तोले 35 ग्राम के ऊपर बनता है ये 24 कैरेट में। तो भाई ये देख लो भाई, रानी हार भैया इसको बोल रहे हैं। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है ये आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, ये देखिए भाई डिजाइन चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, और उसमें पीछे डोरी दे रखी है, उसमें भैया चेन भी लगा सकते हैं हम लोग, राइट? चेन भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, अगर चेन डालेंगे तो आपको वेट ज्यादा पड़ेगा ना, वेट ज्यादा आएगा। हाँ, वेट ज्यादा। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया ये वाला, और इसके प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा, भैया ने इसका वजन बता दिया है। और एक ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखे इसको क्या बोलते हैं भैया? ये भी रानी हार है। रानी हार क्यों बोलते हैं इसको? रानी हार क्यों बोलते हैं? रानी हार मतलब ये लेडीज लग रहा है ना, लेडीज बोलेगा तो रानी होता है, तो लेडीज को रानी मान के रखते हैं। अब राजा बोलेगा तो औटी और बच्चा वो होता है। ठीक है, तो भाई देखो भैया, देखो कितनी अच्छी बात बोली है भैया, जो भी फीमेल के नहीं लगता था उनको पहली रानी बना दिया भैया ने। रानी है सब। ठीक है, तो सारी रानी है, सारा रानी है। चलो ठीक है, तो भैया के कहने से भाई ये देख सकते हैं रानी हार हो गया आपका एक। ठीक है, तो मैं यार मैं रानी नहीं बनूंगा, मैं तो राजा बनेगा, मेरा तरीका से मैं राजा बनूंगा, राजा बनेगा। ठीक है, तो भाई आप ये देख ले भाई। ठीक है, डिजाइन देखे कितना प्यारा है, आपको मैं दिखाया था। और ये पीछे इसमें भी डोरी दे रखी है। इसके वजन की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं भाई 37.55 ग्राम। तो ये आपने देख लिया भाई, इसमें आपको भैया झुमके किसके साथ के? इसी के साथ के? अच्छा, इसका सेट में आता है जी, झुमकी ये सब सेट में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपको झुमके भी मिल जाते हैं। ठीक है, और भैया ये वाले, एक ये वाला दिखा देंगे, ये वाला है, ये इसको क्या बोलता है आप, इसको मिनी हार रानी मिनी हार, रानी हार ये बड़ा ही वाली। ठीक है, ये छोटी वाली नेकलेस भी बोलता है। ठीक है, इसको मिनी हार भी बोलता है। तो इसको रानी नहीं पहनेगी? रानी पहनेगी, लेकिन मिनी। अच्छा, मिनी रानी, मिनी रानी। ठीक है, छोटी छोटी रानी। ठीक है, चलो भाई ये देख सकते हैं, भैया ने इसका भी एक नाम रखा है, एक मिनी रानी टाइप का है। ठीक है, मिनी रानी जो है, और ये काफी हल्का लग रहा है, इसके अगर मैं वजन की बात करूं, डेढ़ तोला तक बन जाएगा, मतलब ये डेढ़ तोले में बन जाएगा। अच्छा, ये छोटी वाली है, तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये आपको डेढ़ तोले का
तो भाई ये आपको 1.5 तोले का पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं भाई कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है भाई। डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ ना भाई, एक नंबर डिजाइन है। और मोस्टली क्या होता है 24 कैरेट में डिजाइनिंग बहुत कम होता है बना पाना, और भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना प्यारा डिजाइन आपको मिल जाता है। जैसा कि भैया ने बताया कि ये मिनी ज्वेलर इसको बोला जाता है, छोटी रानी के हार में आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको पहनने का मकसद आपको मैं बताऊँ तो जिनको नेक कवर करना होता है, आप नेकलेस भी होता है, नेकलेस के तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके प्राइस में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और भैया अब हमें थोड़े कुछ चेन्स और रिंग्स के कलेक्शन दिखा दो। पहले यहाँ पे आप मेरे को कुछ रिंग्स दिख रही है 24 कैरेट में, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं ये जेंट्स में है, ठीक है। तो भाई जेंट्स का कलेक्शन लगा हुआ है ये पूरा 24 कैरेट में। जैसा कि अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ, ये देखो भाई कितनी हैवी है ये, ठीक है। और इसका जो वजन है वो तकरीबन 1 तोले की है, 10 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम तक। अब जैसे कस्टमर का डिमांड से बन जाता है, ठीक है। तो इसके आपकी शॉप, मेरे को पता है आपका मैन्युफैक्चरर भी ऊपर ही है, इसके ऊपर है हम लोग, ठीक है। तो भाई अगर किसी को डिजाइन भी चाहिए वो भी यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो 8 ग्राम की है, भाई देखो कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। ये सारा 24 कैरेट है भैया के पास, क्योंकि भाई नेपाल में 22 कैरेट नहीं चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखें भाई एक छोटी सी ये रिंग दिख रही है, इसमें गणपति बप्पा की फोटो है। भी है ये देखें भाई, अभी स्टोन भी है, ठीक है। और ये भैया जर्किनी स्टोन होते हैं, राइट, जर्किनी स्टोन, करेक्ट, यू आर राइट। तो ये भाई ये जर्किनी स्टोन है, ठीक है। देखो 10.87 ग्राम की रिंग है, और जिनको हैवी पसंद है ना भाई, काफ़ी भारी रिंग है ये, और बहुत ही प्यारी लगी अगर आप इसको वेयर करते हैं तो, देखिए भाई। और जर्किनी स्टोन क्या होता है भाई, ये नहीं निकलता है, ठीक है, प्योर डायमंड की तरह दिखता है ये, देखें भाई, ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ रिंग दिखाऊं तो ये फीमेल की यहाँ पे हमें दिख जाती है कुछ, और ये जो राशियों के अकॉर्डिंग होती है उस टाइप की भी यहाँ पे रिंग रखी है। इसको क्या बोलते हैं, गणेश भगवान का वो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं गणेश मुगा, ठीक है। तो भाई इसको हाँ मुंगा रिंग बोलते हैं, ठीक है, जो अपनी राशि के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसके वजन 7 ग्राम की आपको मिल जाती है, ठीक है। और ये भी भाई बहुत लकी माना जाता है, कछुए की रिंग पहनना और कछुआ घर में रखना, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसके अगर वजन की बात करूँ तो 6.52 ग्राम की है ये, ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। प्राइजेस मैं सबके आपको मेंशन कर दूंगा नीचे। और यहाँ पे देखे इस टाइप की भी है जर्किन स्टोन के साथ में, और ये देखिए बिल्कुल हल्की, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2.5 ग्राम की आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्राइस की बात करूँ ना, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइजेस लगे हुए, जो आपका लेटेस्ट प्राइस चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, 24 कैरेट 220 हो गया है, 204 का आपका 22 कैरेट, 21 198, और 18 कैरेट 169, क्योंकि भाई प्राइस अभी काफ़ी गिरे हुए हैं, और आई होप मेरे को लगता है कि प्राइस अभी और गिरे। यहाँ पे आप और भी कलेक्शन देख सकते हैं रिंग्स के, ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़े मैं आपको बात कर लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, देखो पेंडेंट दिख रहे हैं थोड़े, भैया पेंडेंट दिखा दीजिए हमें भाई। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो नेपाली कल्चर में भी होता है ना भाई, हिंदुत्व और जो अपना सनातन धर्म के अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ें ये लोग माने जाता है उधर, ठीक है। अपनी संस्कृति को लेकर काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्ट की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये सारे गोल्ड के पेंडेंट है, 3.90 ये आपका लॉकेट हो जाता है, ठीक है। ओम का देख सकते हैं आप, भोलेनाथ का, ठीक है। इसके अगर मैं वजन की बात करूँ 3.48 का है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी माता का हो गया, ये देख सकते हैं भाई 3.62 का, 24 कैरेट का है, ठीक है। साई बाबा की रखी है, ठीक है। ये देखिए भाई भोलेनाथ का रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए अगर भोलेनाथ के पेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 3.50 ग्राम का ये आपको मिल जाता है। एप्पल जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, अगर आपको एप्पल में चाहिए तो एप्पल का भी आपको मिल जाएगा। ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये सारा कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है पेंडेंट का, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच पेंडेंट दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए भाई बजरंग बली रह गए थे, तो भाई बजरंग बली की जय। और भाई ये देख सकते हैं बजरंग बली का पेंडेंट है, इसके अगर मैं वजन की बात करूँ तो ये आपको मिलेगा 6.5 ग्राम के आसपास, ठीक है। अब मैं थोड़े आपको जो चेन्स है वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्स का कलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, मैम निकाल रही है हमारे लिए चेन्स, तो ये आप देखें भाई, ये पूरी 24 कैरेट में, और ये पूरी हैंडमेड चेन है, ठीक है। और कुछ ब्रेसलेट मैंने निकलवाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है ऑलरेडी नीचे, लेट्स का और चेन का भी यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस निकलवाए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको तकरीबन पड़ेगा 46 ग्राम का, ठीक है, 4.5 तोले के आसपास ये आपको पड़ने वाला है ये वाला। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपको पड़ेगा 23 ग्राम का, ये देखें, ये दोनों ब्रेसलेट हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेगी चेन, ये भैया पूरे नेक कवर करती है चेन, है ना भाई, देखो काफ़ी हैवी लग रही है, ठीक है। ये आपकी मैं बात करूँ 25 ग्राम की चेन रहने वाली है आपकी, ठीक है। और ये देखो भाई कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। और इसके अगर वजन की बात करूँ मात्र 17 ग्राम की ये चेन है, ये देखो भाई 1.5 तोला, ठीक है। डिज़ाइन चेक करो यार, मोस्टली 24 कैरेट में डिज़ाइन नहीं मिलते हैं, और ये आपको देखो कितना प्यारा डिज़ाइन मिल रहा है 24 कैरेट में, ठीक है भाई। 17 ग्राम की है, प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, प्राइस आप चेक कर लेना। और
दो चेन ये रखी हुई है, ये भी देखो 17.5 ग्राम की, आप फर्क देख सकते हैं भाई। देखिए डिज़ाइन देखिए कितना हैवी लग रहा है ये, और ये बिल्कुल लाइट डिज़ाइन लग रहा है, बट वजन दोनों का तकरीबन सेम है, 17.5 ग्राम। ये प्लेट चेन है, ठीक है। तो आप ये देखो, चेन का अलग अलग नेम है। अच्छा, ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है, ये आपने देख लिया। और एक ये सिंपल सी चेन है, इस टाइप की आपको देखने को मिल जाती है 24 कैरेट के अंदर, 23.32 ग्राम की, ये देखिए भाई, ठीक है। तो ये आपने देख लिया भाई चेन का कलेक्शन, और ये ब्रेसलेट का कलेक्शन आपको मिल जाता है, प्राइस आपको सबके मेंशन कर दूंगा भाई। ये देखो मात्र 3 ग्राम का आपको मिल जाता है भाई, कितना बड़ा आपको देखने को मिलता है 24 कैरेट में भाई, मात्र 3 ग्राम में। ये देखिए मोस्टली ये नेपाली कल्चर में होता, नेपाली कल्चर में होता है, ठीक है। ये देखो भाई इसमें और ये दो भी रखे हुए हैं, ये भी 3.14 ग्राम के, थोड़ा छोटा है, और ये 3 ग्राम का ही है। देखो भाई 3 ग्राम में और क्या चाहिए भाई आपको, देखो कितना प्यारा डिज़ाइन मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, देखो कितना प्यारा है, बट ये हल्का लग रहा है काफ़ी, ठीक है। वजन में उसको आपको बता दूंगा, प्राइस ये पूरा आपका 24 कैरेट का रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, ठीक है। और एक ये वाला दिखाऊँ, ये देखो ये भी 24 कैरेट में है, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन भी, ठीक है। और नेपाली कल्चर में अगर आप देखते हैं तो भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो 17.5 ग्राम का है, चूड़ियाँ बोलते हैं इनको, और हम लोग कड़े बोलते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए भाई, ठीक है, इसमें आपको इस टाइप के डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। देखो ये है जो ये एडजस्टमेंट हो जाता है, अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, बैंगल्स के प्राइस भी आपको मेंशन कर दूंगा 24 कैरेट में। तो भाई जिन जिन लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे पास, भैया 24 कैरेट में दिखा दो, तो भैया मैंने आपको ये एक लाइन है बर्ड दुबई में, यहाँ पे बहुत सी नेपाली शॉप है, मोस्टली अगर आप सपना ज्वेलरी में आते हैं, ठीक है, आपको भैया अगर मेकिंग चार्ज होगा उसमें कुछ कम करके भी दे देंगे, ठीक है, बोल देना वीडियो देख के आए थे। और भाई यहाँ पे ना बहुत से डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं, नेकलेस दिखा दिया मैंने, रिंग्स दिखा दी मेल फीमेल की, आपको ब्रेसलेट दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे सारा कलेक्शन आपको मिल जाता है सिर्फ 24 कैरेट में, अभी प्राइस डाउन है भाई, जल्दी विजिट करो, गोल्ड खरीदो, काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो भाई मिलेंगे अगले दो लोगों में अपने कंटेंट के साथ, वीडियो करते हुए खत्म, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।